जी हाँ जी। तो लेट्स सी, सो यस्टरडे अनुपमा मैम हैड टोल्ड यू अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट? सो क्विकली टेल मी, हु विल टेल मी फ्रॉम सेवंथ ए? आई कैन कीरत, कीरत इज देयर सेवंथ ए? सेवंथ ए कीरत, कीरत जप कौर, आ जाइए आ जाइए फटाफट से। इफ कीरत इज नॉट देयर देन आर्यन और अभिषेक। अच्छा कीरत इज देयर, यस कीरत, टेल मी बेटा जल्दी से, फर्स्ट चैप्टर में हमने सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज किया था, कैन यू टेल मी, याद है आपको, यस और नो? बाय फोटोसिंथेसिस, है ना? माइक लो अपने हाथ में और मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, ये याद है आपको, यस और नो? जोर से बोलो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आप चलो सब अब मुझे थोड़ा सा ये बताना है कि ग्लूकोज दो लोग चीजों के कंबाइन होने से बनता है, यस बोलो, विच टू थिंग्स आर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज? पास यस कीरत, मैम आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है। आप मुझे बताइए कौन सी दो चीजें, वन इज, मैं आपको बता देती हूँ, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। टेल मी व्हाट इज द अदर थिंग? प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, व्हाट अदर थिंग प्लांट्स रिक्वायर? एनर्जी एनर्जी तो सन से मिल गई, और स्टोमेटा के थ्रू अंदर कौन सी गैस जाती है? सनलाइट सनलाइट तो ठीक है, सनलाइट तो एब्जॉर्ब कर ली क्लोरोफिल ने, स्टोमेटा के थ्रू कौन सी एयर जाती है अंदर, कौन सी गैस प्लांट के अंदर जाती है? बाहर ऑक्सीजन निकल रही है, अंदर क्या जा रही है? कोई और नहीं, लेट हर टेल, लेट हर टेल, लेट मी गिव यू ऑप्शन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। यस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैंने लिखा ही है, ठीक है, एंड अदर इज वॉटर, राइट? प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर टू फॉर्म ग्लूकोज। नाउ कीरत यू हैव टू टेल मी, इज दिस अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज? आपको कल, यस्टरडे अनुपमा मैम हैड टोल्ड यू दैट इन फिजिकल चेंजेस द सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। हमने जो है, लेट अस से कि हमने, मैंने ये ज्यादा तो नहीं, मैं पेपर फाड़ूंगी, ये पेपर लिया, इसको हमने टियर किया, बट इट रिमेन्स पेपर, साइज छोटा हो गया पर पेपर तो पेपर ही रहा, इट इज ए फिजिकल चेंज। बट जब एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो टेल मी हियर, द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज, इज देयर सम न्यू प्रोडक्ट फॉर्म? क्या कुछ नया बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर ग्लूकोज बनाया है, क्या ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ग्लूकोज वाटर है, कि एक अलग प्रोडक्ट है? डिफरेंट है कि नहीं है बेटा? तो है इज इट ए केमिकल रिएक्शन की फिजिकल चेंज? केमिकल। यस इट इज ए केमिकल रिएक्शन। सिट डाउन कीरत, वेरी गुड। सो सिंथेसिस ऑफ, अपनी कॉपी में लिखिए, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ये रिएक्शन लिखो, एंड एज न्यू प्रोडक्ट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड,
देयरफॉर फोटोसिंथेसिस, ये किसकी इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन। एवरीबडी राइट डाउन इन योर कॉपी, टीचर्स प्लीज चेक कि हर बच्चा लिखे, क्योंकि यही क्वेश्चन इस तरह के आने हैं। डोंट थिंक कि भाई ये तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमारी बुक में है नहीं, हमने तो किए नहीं, तो ये नहीं आएंगे, बट सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। डन, इक्वेशन जरूर लिखनी है। CO2 मीन्स कार्बन, डाई डाई मीन्स टू डाईऑक्साइड, H2O इज वाटर। देन नेक्स्ट स्टूडेंट From 7th A only, that is Sumit Sehgal. 7th A, Sumit Sehgal, आ जाओ आगे जरा। Formation of clouds, physics या physical, clouds कैसे बनते हैं? पहले तो ये थोड़ा सा समझो, that वेपोरेशन वॉटर इज इवेपोरेटेड, वेरी गुड, इवेपोरेटेड है ना, फ्रॉम रिवर सीज एटसेट्रा टू फॉर्म क्लाउड्स। तो व्हाट हैपन्स हियर दैट लिक्विड वॉटर इज चेंज्ड इनटू गैसियस वाटर, मतलब स्टीम में चेंज होता है, वाटर वाटर ही है। सो टेल मी सुमित, इज इट अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज? फिजिकल इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज वाटर रिमेन्स वाटर ओनली। वेरी गुड, बैठो बेटा। सो इट इज ए फिजिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स आप लिख लो, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। सेकेंड कर दीजिए रेनफॉल, थर्ड है ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, फ्रीजिंग पानी से आइस बनना, ये सब क्या है? ऑल दीज आर फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर फ्रीज हो रहा है, या जो क्लाउड्स थे उससे रेन बन रही है, वाटर वेपर से रेन आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर की स्टेज चेंज हो रही है, इट इज चेंज्ड इनटू लिक्विड, इट इज चेंज्ड इनटू गैसेस, या गैसेस चेंज्ड इनटू लिक्विड। सो ऑल दीज आर फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट आ जाता है जी 7th B, 7th B में आरुष, आरुष इज देयर 7th B, आरुष जोशी, तेरा टू आरुष अगर मैम। यस टेल मी बॉइलिंग ऑफ वाटर कौन सा चेंज है बेटा?
मैम फिजिकल चेंज। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए लिख लो, ये आपको पता ही है, वेरी गुड, बैठो बेटा। बॉइलिंग ऑफ वॉटर इज ए फिजिकल चेंज। अनदर इज अमन चोपड़ा, सेवंथ बी। अमन चोपड़ा सेवंथ बी। नाउ टेल मी, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी, पहले ध्यान से सुनना है। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है? स्टार्च। आपने ये चैप्टर किया नहीं है इसलिए मैं बता रही हूं, स्टार्च इज, स्टार्च की डाइजेशन है टू फॉर्म ग्लूकोज। एवरीबडी शुड राइट। प्रोटीन्स, व्हेन दे डाइजेस्ट दे चेंज इनटू, दे ब्रेक इनटू अमीनो एसिड्स। नाउ टेल मी कि इज, अमन, कि इज डाइजेशन ऑफ फूड फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? मैम केमिकल चेंज। वेरी गुड, बिकॉज, बिल्कुल, बैठो बेटा, वेरी गुड, बिकॉज स्टार्च डज नॉट रिमेन स्टार्च, ग्लूकोस अलग है, अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर डिफरेंट, अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर डाइजेशन ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। ओके, व्हाइट से केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट, नाउ इन लंग्स, यू नो इन लंग्स देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेशन यू हैव डन, लाइन बटन इज कॉल्ड एज, यस, वंस मोर, लाइन दिस इज एल्वियोलस, सिंगल है ना बेटा, सो दिस इज एल्वियोलस, सिंगुलर इज एल्वियोलस, प्लूरल इज एल्वियोलाई, राइट? एंड आउटसाइड द एल्वियोलाई देयर आर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स। इन एल्वियोलस देयर इज प्रेजेंट हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। ओ टू मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये है ब्लड वेसल, दिस इज लेस ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल्स। बातें नहीं बेटा, दिस ब्लड वेसल, द गैसेस मूव्स फ्रॉम हाई अमाउंट टू वर्ड्स लो अमाउंट, है ना? अगर किसी ने, मेरे पास 100 रुपए है और किसी के पास 1000 रुपीज है, हु कैन गिव द मनी? जिसके पास 1000 रुपीज है, मैं 100 में से 1000 वाले को नहीं दे सकती, 1000 वाला मुझे दे सकता, राइट? सो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई अमाउंट टू वर्ड्स लो अमाउंट, डू यू एग्री, यस और नो? Yes, ma'am. सो वेयर द ऑक्सीजन मूव्स,
लंग्स या एल्वियोलस टू ब्लड की ब्लड टू एल्वियोलस? लेट मी आस्क, इट इज सेवंथ सी, एंड सेवंथ सी में आ जाइए बेटा मन्नत, सेवंथ सी मन्नत। हाँ मन्नत, मन्नत वन डॉटर ऑफ हेमराज। हाँ जी यस मन्नत, टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, एल्वियोलस टू ब्लड की ब्लड टू एल्वियोलस? मैम ब्लड टू एल्वियोलस। ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, कहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, एल्वियोलस में ज्यादा है कि ब्लड में ज्यादा है? एल्वियोलस एल्वियोलस में ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी ऑक्सीजन की, कम से ज्यादा की तरफ? ज्यादा से कम की तरफ। नाउ टेल मी कि वेयर द ऑक्सीजन मूव्स, ब्लड टू एल्वियोलस की एल्वियोलस टू ब्लड? वेरी एल्वियोलस टू ब्लड। गुड, तब ऑक्सीजन इट मूव्स फ्रॉम एल्वियोलस टू ब्लड, देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्ट, ऑक्सीजन सिर्फ मूव कर रही है, यहां से यहां चली गई। अब मुझे आपने बताना है मन्नत कि इज इट ए फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? सिर्फ फिजिक ऑक्सीजन मूव कर रही है, यस इट इज ए फिजिकल चेंज, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, इट इज ए फिजिकल चेंज, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली ऑक्सीजन इज मूविंग फ्रॉम हाई अमाउंट टूवर्ड्स लो अमाउंट। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये पता है, तो इट इज ए फिजिकल चेंज, राइट। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, मन्नत के बाद आ जाइए अर्शबीर, सिक्स्थ सेवंथ सी, सेवंथ सी अर्शबीर। अब मुझे आपने अर्शबीर, नाउ टेल मी व्हेन द वुड इज बर्न्ड क्या बचता है लास्ट में? अश्वेत, जब लकड़ी जल जाती है तो आखिर में क्या बचता है, हमें क्या मिल जाता है? एशेस। एशेज मिल जाती है, ऐश है। इज द ऐश वुड, क्या ये ऐश वुड है? तो नो ऐश मिलती है, हीट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और कुछ वाटर वेपर्स है। सो नाउ टेल मी, यहाँ पे थी वुड, और वुड की बर्निंग पे यू गेट दीज प्रोडक्ट्स। नाउ टेल मी, इज बर्निंग ऑफ वुड अ केमिकल चेंज और ए फिजिकल चेंज? केमिकल वेरी गुड, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इट इज ए केमिकल। वेरी गुड बेटा, बैठो, इट इज ए केमिकल रिएक्शन, लिख लो बर्निंग ऑफ वुड ये बनेगा, एंड इट्स ए केमिकल रिएक्शन। नो सेवंथ डी, सीरत एंड सिमरत, सेवंथ डी सीरत एंड सिमरन बोथ का, यस टेल मी। मैम मैं, सिमरन सेक्शन में अच्छा सिमरन नहीं है, कोई बात नहीं। टेल मी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब आप कैंडल जलाते हो तो ऊपर से वैक्स मेल्ट होके नीचे गिर जाता, सो इज इट ए फिजिकल चेंज की केमिकल रिएक्शन? हम फिजिकल चेंज। यस मेल्टिंग, चाहे वो आइस की हो वैक्स की हो, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, इट इज ए फिजिकल चेंज, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए बेटा, इफ सिमरत इज नॉट देयर देन वैशाली, सेवंथ डी वैशाली, आ जाओ बेटा।
ना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे देखो जरा सेल रेस्पिरेशन, इधर देखना है आपने ध्यान से, पहले बोर्ड पे देख, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. नाउ टेल मी इज इट अ, कोई और नहीं बताएगा बेटा, माइक ऑन करो एंड नाउ टेल मी इज इट अ फिजिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल इज रिएक्शन। इट केमिकल रिएक्शन बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. वेरी गुड, बैठो बेटा, इट इज ए. लिखना है सबने ये इक्वेशन लिखनी, इट इज ए केमिकल रिएक्शन. आर एक्स मीन्स रिएक्शन, यू हैव टू राइट कंप्लीटली रिएक्शन. कुकिंग ऑफ फूड यू मेक, चाहे आलू आलू ही रहते हैं, लेडी फिंगर ही रहती है, बट टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है, उसमें केमिकल्स चेंज हो जाते हैं. यस, सेवंथ डी में एक लड़के का हाथ खड़ा है. टेल मी इज इट ए फिजिकल चेंज की केमिकल रिएक्शन? यस, केमिकल कुकिंग ऑफ फूड इज इट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, डन. चलिए दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? दिस इज फोटोसिंथेसिस. इन फोटोसिंथेसिस यू नो प्लांट्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स टेक इन, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. नाउ सेकेंड, फर्स्ट इज दिस. सेकेंड थिंग यू मस्ट बी नोइंग, एक्सो मीन्स लिबरेटेड आउटसाइड. एंड एंडो मीन्स टेकिंग इन साइड, कोई भी चीज है. एंड थर्मिक मीन्स एनर्जी या हीट. एनर्जी और नो सेवंथ ई, सेवंथ ई में आ जाइए बेटा, मेरे पास आ जाइए. रवनीत, सेवंथ ई रवनीत, क्विकली कम एंड टेल मी इज फोटोसिंथेसिस, आपने लिखना है कि फोटोसिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखिए आपकी आवाज आ रही है, माइक ऑन करो, बोलो हेलो. हेलो। हाँ बोलो, आप जल्दी से बताओ, एक्सोथर्मिक है कि एंडो? एक्सो मीन्स लिबरेटेड आउटसाइड, बाहर फेंकना. एंडो मीन्स अंदर लेना. थर्मिक मीन्स एनर्जी. एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी अंदर लेते हैं, एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी बाहर फेंकते हैं. एक्सोथर्मिक एक्सो मतलब फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बाहर जाती है
कहां पर? हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब का क्या मतलब होता है? टेकिंग इन। कार्बोडाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो एनर्जी है नहीं है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं। प्लांट्स लाइट एनर्जी अंदर ले रहे हैं, यस और नो? ठीक है, तो एनर्जी तो अंदर ले रही है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक, क्योंकि लाइट एनर्जी एनर्जी अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया एक्सो क्या है, एंडो क्या है, थर्मिक क्या है। थर्मिक मीन्स एनर्जी, सो एंडोथर्मिक मीन्स दे टेक इन एनर्जी, वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, लिखो जरा, फोटोसिंथेसिस इज चलो बैठो बेटा अपनी सीट पे जाओ, एंडोथर्म में, और तीसरे कॉलम में लिखो दे टेक इन लाइट एनर्जी। तीन कॉलम्स बनाने हैं आप। प्रोसेस रिएक्शन कौन सा? एंडोथर्मिक क्यों है? बिकॉज दे टेक इन लाइट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट इज सुखमन प्री फ्रॉम सेम क्लास, 7th E। सुखमन प्री आ जाओ बेटा। नाउ टेल मी, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, यहां पे क्या है? यहां ध्यान से देखनी है अपने, मेरे पास बर्निंग ऑफ वुड आपने ही आंसर देना है। वुड जो है जब बर्न हुई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एनर्जी, ये प्रोडक्ट है। हमें हीट मिल रही है जब बर्न करते हैं, तो नाउ टेल मी इज इट एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक वेरी गुड, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखो यहां पे प्रोसेस क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक, लिबरेट्स, लिबरेट्स का मतलब गिव्स आउट, लिबरेट्स हीट एनर्जी। ये आपने रिएक्शन पहले भी लिखा है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड आ जाइए बेटा, सेल रेस्पिरेशन। इसकी इक्वेशन, थर्ड प्रोसेस आपने बताना है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। यू नो ग्लूकोज, इट ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज टूट के एनर्जी देता है। नाउ द स्टूडेंट इज 7th E में से ओजस्वी, ओजस्वी इज द, हाँ Yes. जी बताओ बेटा, कि एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक बचे? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, व्हाई एक्सोथर्मिक? जल्दी से रीजन क्या लिखोगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बेटा थर्मिक का क्या मतलब है? एनर्जी। हीट एंड एनर्जी तो क्या कहेंगे? एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड।
ना, ये लिख लेना यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक्सोथर्म। कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कोई एनर्जी की फॉर्म थोड़ी है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक जबकि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्म। ओके चलिए, यस, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। जल्दी से फटाफट, ये अब आप अपनी कॉपी में, टेक 2 मिनट्स। वॉलंटरी मीन्स जो हम खुद करते हैं, इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट है, डाइजेशन जैसे है ना, वो हमें नहीं पता कब हो रही है, दैट इज इनवॉलंटरी, राइट। बट मूविंग अवर आर्म, मूविंग अवर लिप्स वाइल स्पीकिंग, दीज आर वॉलंटरी। मूवमेंट ऑफ द टंग वॉलंटरी। जल्दी से क्विक यहाँ पे लिख लेना, एक और लिख लेना। डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रीदिंग, सेल रेस्पिरेशन। मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स होती है हमारी आर्म्स एंड लेग्स। जल्दी से एवरीबडी नोट डाउन दीज प्रोसेसेस, एक टेबल बनाओ और साथ में लिखो वॉलंटरी की इनवॉलंटरी। जल्दी से क्विक, अब ये सारे 7th G वालों से हमने पूछने हैं। सेवंथ जी में से आ जाओ भरत, हिपांश, भरत, हिपांश, जशनदीप, कि आ जाओ सारे, नमन, नवी, राइट। सतपाल एंड तेजिंदर, आ जाओ एक लाइन में आ जाओ। और एक एक करके, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जब आप जाते हो है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग लाइट है ना, अंधेरे कमरे से एकदम बाहर आते हो, एकदम आंखें आपकी एकदम बंद और खुल जाती है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। दिस इज, धूल में जाते हो तब आंखें आपकी बंद हो जाती है। इज इट अ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन? इट अच्छा इज इनवॉलंटरी, वेरी गुड, इट इज इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा से नहीं होती है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, चूइंग ऑफ फूड, जोर से माइक ऊपर रखो, अपने मुंह के पास रखो। हाँ, इट इज वॉलंटरी, वेरी गुड, इट इज वॉलंटरी। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्नीजिंग, छींके आना, इनवॉलंटरी, वेरी गुड। क्लैपिंग योर हैंड्स, तालियां बजाना, वॉलंटरी, वेरी गुड। हिकअप्स, हिकअप्स होता है हिचकी आना, वॉलंट्री की इनवॉलंट्री, इनवॉलंट्री, वेरी गुड। तो एनी अदर स्टूडेंट? नहीं, 7th A, 7th A में आ जाइए बेटा, दिशा, गुरनूर, हरसीरत,
सेवन है, बाकी सब लिखते चलो फटाफट से। सेवन है, थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। सेवन बी में से आ जाइए बेटा। गुरसिमर, हरनूर, जपलीन, सेवन्थ बी। गुरसिमर, हरनूर, जपलीन, जल्दी से मुझे बता दीजिए। डाइजेशन ऑफ फूड, वॉलंट्री की इनवॉलंट्री? इनवॉलेंट्री इनवॉलंट्री, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हाँ, इनवॉलंट्री है बेटा। नेक्स्ट है सेल रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइ ऑक्सीजन यूज हो रही है। यस, इनवॉलेंट्री इनवॉलंट्री बेटा, कब हो रही है हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, दिस इज इनवॉलंट्री। ये सेवंथ ए, सेवंथ है बेटा दिशा, दिशा एंड गुरनूर। जल्दी से, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स। जोर से, दिस इज वॉलंट्री एंड मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स, बाजू टांगों की मूवमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ इट इज ऑल्सो वॉलंट्री, इट इज ऑल्सो वॉलंट्री। ठीक है जी, तो हमें केमिकल फिजिकल रिएक्शंस पता चले, उसके बाद देन वी हैड यू नो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड देन वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री। ओके, सो एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल रेस्पिरेशन या सिंपल रेस्पिरेशन, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन? आपने कॉपी में लिखने हैं स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले तो आ जाता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सिंपली क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिच एयर हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम बाहर निकालते हैं, राइट? एंड रिमेंबर दैट इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। देन सेकेंड स्टेप है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलस, यहां पे क्या हो रहा है? लेट अस से एल्वियोलस है, ब्लड वेसल है, ऑक्सीजन इज मूविंग फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू लंग्स, O2 मूव्स फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। एंड रिमेंबर दैट CO2 मूव्स फ्रॉम
ब्लड, टू लंग्स, एंड सिंपली मूवमेंट हो रही है, सो इट इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रोसेस. ये भी इनवॉलंट्री है, दिस इज ऑल्सो इनवॉलंट. ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ब्लड में चली गई. अब ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के पास, डिफरेंट ऑर्गन्स को, स्टमक को दे रहा है, किडनीज को दे रहा है, ब्रेन को दे रहा है, थर्ड प्रोसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. हर्ट या ट्रांसपोर्ट हो रही है गैस. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम लंग्स टू सेल्स. सेल्स आपको पता है छोटे छोटे यूनिट्स है हमारी बॉडी. एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स. ऑपोजिट मूवमेंट है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लंग्स से सेल्स में जा रही है. एंड ये क्या है? अगेन ये फिजिकल है, फिजिकल एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस. उसके बाद क्या हो रहा है? सेल्स के पास पहुंच के फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल्स. लास्ट पॉइंट बता रही हूं बेटा, मेरा मतलब लास्ट ही है आज का, इसलिए समझ के. सेल्स में क्या होगा? ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम कहां पर है? ब्लड में. ब्लड टू सेल्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑपोजिट मूव करेगी. सेल्स टू ब्लड. अगेन फिजिकल एंड इनवॉलंटरी लिख लो, फिजिकल एंड इनवॉलंटरी. एंड लास्ट स्टेप है हमारा सेल रेस्पिरेशन.
रेस्पिरेशन में क्या है? सेल ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज ए केमिकल रिएक्शन एंड इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री तो है ही है, बट इट इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट। सो देयर आर फाइव स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, इज इट ओके? ठीक है, तो कल का होमवर्क सिर्फ ये है, ऑल्दो यू मस्ट हैव डन ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सबने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, ओके? बना के लाएंगे। यस आपके यूनिट टेस्ट में 3 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस अच्छा बना, लेबल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, तो जितना अच्छा बना लेंगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।